पे थोड़ी सी आयशर की एक बात ऐड करना चाहूंगा इसमें, कि उन्होंने कहा कि देर इज नो कंपनी ऑन द अर्थ दैट इज एज ट्रांसपेरेंट एज ऑन पर्स्यू। जो कुछ भी अभी तक हम देखें, अगर तो जो भी कमिट किया है एज सर ने, वो बिल्कुल 100% उन्होंने डिलीवर किया है इन टाइम, जब जब जो कहा है वो तब तक किया है। और जो कुछ भी हो रहा है, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट वे में हो रही है, बहुत ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पे। हमें लगता है दूर से कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जो भी हो रहा था बहुत ट्रांसपेरेंट वे में हो रहा है, और आगे आने वाले टाइम में सबको इस चीज का एहसास होगा और पता भी चल जाएगा। तो इसलिए हमें थैंकफुल होना चाहिए कि इतनी बड़ी और बढ़िया कंपनी के साथ, इतनी अच्छी कंपनी के साथ हम सब जुड़े हैं। तो इसके लिए उन्होंने स्पेशली ये वर्ड्स यूज किए हैं कि हमें, जैसे पहले से ही वो कहते हैं कि वी आर नॉट एमएलएम, वी आर ए आईटी कंपनी, तो उस चीज को, उस स्टैंडर्ड कंपनी को हमने, अगर किसी के साथ ये नहीं कहना कि हम एमएलएम नहीं है या हम कोई छोटी कंपनी है, हमें अपनी जो कंपनी के जो स्टैंडर्ड्स हैं सिर्फ उनको ही प्रमोट करना है। ये चीप वर्ड्स कहते हैं हमें यूज नहीं करने हैं। तो कोई भी अगर कुछ कहता है किसी भी जगह, आपके कमेंट्स में कोई बात आती है या आप वर्बली किसी के साथ शेयर करते हैं, तो ये वर्ड्स यूज नहीं करने हैं जो दूसरे बिजनेसेस में होते हैं। तो इस चीज का ध्यान हमने रखना है। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज स्टार्टिंग में, तो फर्स्ट फेज में हम होंगे जब हम आपको ओबीएस देंगे, ओबीएस से हमारा बिजनेस जस्ट स्टार्ट होगा, दिस विल बी योर फर्स्ट फेज। लेकिन जो सेकंड फेज हमारा होने जा रहा है, उसमें आपको कहाँ जाना पड़ेगा, या बैंक्स में जाना पड़ेगा या हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक्स में यदि जगह नहीं होगी आपका पैसा रखने के लिए, तो उनको बैंक मैनेजर्स का पहले जाके समझा लीजिए कि बहुत कुछ आने वाला है यहाँ पे, और कुछ लोग तो इतने अपसेट हो जाएंगे कि हॉस्पिटल्स की जरूरत भी पड़ेगी, इतने परेशानी हो जाएगी लोगों को, उनको अपना आप संभाला नहीं जाएगा। इसलिए कूल रहिए, पेशेंट रहिए, और आराम से देखिए, एंजॉय कीजिए प्रोसेस को, और इस चीज को फील कीजिए आज से ही कि इन वर्ड्स में क्या छुपा है पीछे से ऐसर के। सो थैंक यू एवरीबॉडी कि आज हमने यहाँ पे इस कल के वेबिनार्स की अपडेट्स को आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और वन ऑफ द बेस्ट मेरी नजरों में अगर कल का वेबिनार देखा जाए ना, तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम पिछले 3 सालों से मतलब बहुत रातें हमने निकाली है, और कल का वेबिनार इसलिए बेस्ट कह सकता हूँ कि एक तो टाइमिंग का इन्होंने ध्यान रखा, और एस की नजर में अब हम सभी बराबर हो गए, चाहे जिसकी एक आईडी हो, चाहे दो हो, या चाहे 10 हो, या जिसने मतलब आपने देखा होगा एक कल के लीडर बोर्ड का वो सिस्टम भी हटा दिया गया है, और जो जिनको पैनल लिंक वगैरह आता था वो भी मतलब कुछ बहुत कुछ चेंज ही हुआ, ये मुझे सबसे पहला पसंद आया। यस बिल्कुल। और बाकी जो अपडेट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जिस हम 3 साल से जिस चीजों का इंतजार कर रहे थे ना, वो पहली बार हमें देखने को मिले 2 पॉइंट के ऊपर। हालांकि सपना जी ने काफी अच्छे से कवर किया, लेकिन मैं फिर से आपकी अनुमति से 2 पॉइंट बहुत ही कल के वेबिनार के सारांश कह सकते हो मैं रोशनी डालना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले ओ मेल और एक ई केवाईसी, जो कि अभी पिछले दिनों में लगभग 10 दिनों में लोगों का एक ग्रहण लगा हुआ था माइंड के ऊपर, बार बार चाहे एलडी भगत सर हो, चाहे रोहित जी हो, चाहे गीतानंद जी हो, सपना जी, सभी को कॉल आते थे ई केवाईसी कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। तो उसके लिए कल का अगर किसी ने नहीं सुना तो मैं फिर से बोलता हूँ दोस्तों, ई केवाईसी के लिए अभी आपको मतलब अपने आप को तैयार करने की जरूरत नहीं है। ओके, मतलब फिर भी आप ओबीएस लॉगिन कर पाओगे। आपको सिर्फ ई केवाईसी की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप लक्ष्मी जी को अपने खाते में लेना चाहोगे, तब जाके आपको ई केवाईसी की जरूरत पड़ेगी। ये क्लियर हो गया। इसके लिए आप अगर कोई भी लोग ई केवाईसी को लेके तकलीफ में है या टेंशन में, तो प्लीज वो उस माइंड को एकदम अपने ब्रेन को फ्री कर दीजिए। जैसा कि एलडी भगत सर कह रहे हैं, बहुत लोगों को जरूरत पड़ेगी डॉक्टर्स की। यस, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सर आपकी बातों से। और एक इम्पोर्टेंट बात और निकल के आई, वो है ओ मैन। ओके, तो जैसा कि अभी हम सभी ओ फाउंडर को लॉगिन करते हैं अपना जीमेल डाल के और पासवर्ड डाल के, ठीक है, तो ओबीएस जब आ जाएगा तो आप अपना, अगर आपने अभी तक ओ मेल अपना जीमेल को ओ मेल में कन्वर्ट नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आप अपना ओबीएस ओ मेल के थ्रू भी लॉग इन कर पाओगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कल के वेबिनार की रही है। दूसरा,
पासवर्ड जो अभी आप जीमेल के साथ में डाल के ओपन कर रहे हैं अपनी ओपनर की आईडी को, वही पासवर्ड आपके यूज होने वाला है। और कई लोगों के फोन अभी भी आ रहे हैं कि सर ओमेल को कैसे। दोस्तों बहुत इजी है, हमारा जो ओमेल है आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग बेस पे काम करता है। जब आप वहां पे जाएंगे अपना जो टर्म्स एंड कंडीशन में नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारा ओमेल है आपका जीमेल को ही ओमेल में कन्वर्ट करके दे देगा। वहां से आप न्यू पे जाके आप किसी को भी ओमेल टू ओमेल मेल कर पाएंगे, ओमेल टू जीमेल कर पाएंगे या जीमेल टू ओमेल कर पाएंगे। बस बिल्कुल मैं एक्साइटेड हूँ, थैंक यू बहुत वेरी मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दो इम्पोर्टेंट अपडेट थी, मुझे लगा जरूरी, और पूरी टीम को 369 को बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू ऑल।